भारत के पीठ में छुरा घूप रहा अमेरिका। मुंह पर दोस्त और पीठ पीछे दुश्मनों की मदद करता है अमेरिका। अमेरिका ने फिर किया भारत के साथ धोखा। हमारे दुश्मनों को मदद पहुंचा रहा अमेरिका। क्या है अमेरिका का प्लान? क्यों करता है भारत के दुश्मनों की मदद? क्यों चल रहा है दोगली चाल? क्यों अमेरिका पर भरोसा नहीं करता भारत? यूं तो अमेरिका पूरी दुनिया में डंके की चोट पर कहता फिरता है कि वो भारत का दोस्त है, हर वक्त वो भारत की बेहतर व उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़ा है। लेकिन अफसोस की बात, अमेरिका आज भी पीठ पीछे भारत के दुश्मनों की मदद करता है। आखिर क्यों दोगली चाल चल रहा है अमेरिका? आज के रिपोर्ट में हम इस चीज का खुलासा करेंगे कि अमेरिका कैसे भारत सरकार को धोखा देकर भारत के दुश्मनों की मदद कर रहा है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अमेरिका बहुत बड़ा फंड दे रहा है। गरीब देश पाकिस्तान को अमेरिकी सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह से मदद कर रही है और लाखों करोड़ों रुपए उस पर उड़ा रही है, जबकि अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि भारत पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं। फिर भी वो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद कर भारत को धोखा दे रहा है। अर्थव्यवस्था के भयावह संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अब चीन और अमेरिका दोनों से पैसा मिल रहा है। ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान एशिया में चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021-22 की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान पर चीन का कुल 6.97 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हाल ही में 24 जून 2022 को चीनी बैंकों ने पाकिस्तान को 18.28 हजार करोड़ रुपए का कर्ज देकर मदद की थी। वहीं अमेरिका भी अपनी चाल चल रहा है। वो पाकिस्तान को चीन से दूर कर अपने पाले में लाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अब अमेरिका ने अपना खजाना खोलते हुए 8 सितंबर 2022 को फाइटर जेट F-16 को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को 3.58 हजार करोड़ रुपए दिए। पाकिस्तान को सुरक्षा मदद देने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के बीच हुई इस डील को भारत के साथ विश्वासघात के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी सफाई में कह रहा है कि पाकिस्तान को दी गई सहायता राशि में किसी भी तरह के नए हथियार या युद्ध सामग्री को शामिल नहीं किया गया। जबकि साल 2018 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि पाकिस्तान आतंकवाद से अमेरिका की लड़ाई में कुछ सहायता नहीं कर रहा। लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के लिए अपना खजाना खोलकर भारत को धोखा दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती और बढ़ा रहा है। अमेरिका अब कह रहा है कि उसके भारत और पाकिस्तान के साथ अलग अलग संबंध हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक देश के साथ है, वो दोनों देशों से संबंध बनाकर रखेगा। आपको बता दें कि अगस्त 2018 में इमरान सरकार के आने के बाद से ही अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिश्ता खराब हो गया था। इमरान खान ने इस्तीफा देने से पहले अमेरिका पर आरोप लगाया था और कहा था कि स्वतंत्र विदेश नीति की वजह से यूएस ने साजिश रचकर उनकी सरकार गिराई। लेकिन बाइडेन ने अपनी सरकार बनते ही ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तानियों की मदद की। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपनी सत्ता में आते ही अमेरिका की चापलूसी करना शुरू कर दिया था और कहा था कि अमेरिका के साथ दुश्मनी बिल्कुल नहीं रख सकते, बुरे वक्त में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। इससे ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान मदद के लिए सबसे पहले अमेरिका के आगे ही हाथ फैलाएगा और कटोरा लेकर अमेरिका से ही रुपयों की भीख मांगेगा। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दी गई 3.58 हजार करोड़ रुपए की इस भीख की भारत में खूब आलोचनाएं हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाहे खाने के लिए खाना ना हो लेकिन वो भारत के खिलाफ साजिश रचने से पीछे नहीं हटता। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, क्योंकि भारत ने रूस यूक्रेन में से अमेरिका को न चुनते हुए अपने दोस्त रूस को चुना था। ये पहली बार नहीं जब अमेरिका को भारत रूस के साथ होने से मिर्ची लगी हो। इससे पहले भी जब भारत रूस के बीच तेल का व्यापार चल रहा था तब भी सबसे ज्यादा अमेरिका को ही मिर्ची लगी थी। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है।